साथियों सभी को हृदय पूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने, लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं, यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। ये सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नोलेज करता है, इस पर मजबूत थप्पा लगाता है। और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं, वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री